हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज फिर आ गई हूँ प्लांट्स लेने के लिए एक नई नर्सरी में। और ये नर्सरी है हमारे हिसार में, जो एमजी रिसोर्ट है ना, जहाँ पर मैक्सिमम हम पार्टी के लिए जाते हैं, वहाँ की जो नर्सरी है उसके एकदम सामने ये नर्सरी है। एमजी रिसोर्ट के एकदम सामने नर्सरी, और मैं आपको दिखाती हूँ। इतना मज़ा आ रहा है मुझे, ये नर्सरी बहुत 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 अच्छी लग रही है। और ठंड इतनी है तो मैं बिल्कुल पैक्ड हूँ, और प्लांट्स बहुत बहुत सुंदर हैं। मैं आपको यहाँ पर सारे प्लांट्स अभी दिखाती हूँ, और मैं यहाँ से लेने वाली हूँ बहुत सारे प्लांट्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो रुकिए, मैं आपको पहले यहाँ का प्लांट्स का व्यू दिखाती हूँ। वाह, ये वाले प्लांट्स तो हम सब ले ही चुके हैं ऑलरेडी। बहुत रश है क्योंकि ये हाईवे पे है ना ये सारी नर्सरी, तो ये प्लांट्स हम ले चुके हैं। ये देखिए, ये वाह, इनके पास तो बहुत अच्छी वेराइटी है भाई। वाह, ये रेका पाम है जो मुझे बहुत पसंद है, और इस बार मुझे ये वाला प्लांट भी लेना है, तो ये भी मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी। बाकी आगे देखते हैं, इनके पास अच्छी वैरायटी है। और ये भैया आ गए हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हफीज। जोर से बोलो, हफीज। अच्छा, और ये भैया के पास बहुत अच्छी वैरायटी है, यहाँ पर हर तरह के प्लांट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और अभी मैं पसंद करती हूँ यहाँ पर मुझे कौन सा प्लांट पसंद आता है, और उसके बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये वाले फूलों वाले हैं, ये फ़िलहाल मेरे को मैं नहीं लूँगी, मैं ऐसे प्लांट्स लूँगी जो बारह मासी हों। ये तो अपने पास हैं ही, ये भी इनके पास गुलाब के भी बहुत अच्छे वैरायटी। भाई वाह, बहुत अच्छी। और मैं अब सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैंने कौन सा सेलेक्ट किया। इनके पास अंदर की तरफ भी इन्होंने काफ़ी कुछ रखा हुआ है। एरिका पाम्स बहुत अच्छे हैं और ग्रीन है, और बाकी सारे प्लांट्स भी भाई वाओ, तो मेरी फेवरेट बन गई है नर्सरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस नर्सरी में, और काफ़ी कुछ है। ये अंदर की तरफ है, और बाहर का तो मैंने दिखाया ही, हर तरह के प्लांट्स हैं इनके पास। अरे, इनके पास गमले भी बहुत सारे हैं। मैंने बाहर की तरफ देखा था, एक बड़ा गमला था, और यार वाओ, गमले इनके पास बहुत अच्छे हैं, और डिज़ाइन भी है। ये कैसा है? ये क्या है? ब्लॉक है वाटर का, ये मतलब ऑर्डर का ब्लॉक है, ये किसी गवर्नमेंट की तरह से। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए ये किसी गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अच्छा। अरे, ये क्या रेट के होते हैं भैया? ये वाले क्या है आपके पास, गमले किस रेट में है? ये वाले 250 का है। 250 का, अच्छा, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, 250 तो एक नॉमिनल रेंज है भाई, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हिसार में हैं, हिसार के आसपास हैं, हांसी में हैं, तो यहाँ पर गमलों के रेट बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये मैक्स सबसे बड़ा साइज है भैया, इसका क्या रेट है? ये मिल जाएगा 500 का है। 500 का भाई, रेट के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सही लग रहा है यहाँ पर। ये साइज के, ये सब और ये खुद ही बनाते हैं। अच्छा, ये 50-50 रुपए के हैं भाई। वाओ, ये साइज के 50-50 रुपीज के, और सीमेंट के हैं भैया, ये सीमेंट के हैं यार। 50 के ये तो मैं खुद लूट के आई हुई हूँ, मैंने बहुत महंगे लिए हुए हैं, और 50 के हिसाब से ये बहुत सस्ते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हो, मतलब लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। और तो यहाँ पर आप गमले भी हर तरह के ट्राई कर सकते हो। बाहर मैंने एक बड़ा गमला भी देखा था, वो भी मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगी। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आता है, मैं जब वो पसंद कर लूँगी फिर आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने कौन से पसंद किए। यहाँ तो मेरी जेब लबलबा रही है, कौन सा ले लूँ, इतने सारे मुझे पसंद आ रहे हैं ना सच्ची में। और बट मेरे पास प्लांट्स जितने थे उस अकॉर्डिंग मैंने ले लिए हैं, तो मैंने ये पसंद किए हैं। और ये प्लांट्स जो हैं अब लग रहे हैं, मतलब अब मैं अपने गमले लेकर आई हुई हूँ, गमलों में मैं लगवाती हूँ, और ये प्लांट सब मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैंने बोला था ना कि मैं ये वाला प्लांट ज़रूर लूँगी, मैंने ले लिया ये, तो अभी मैं लगवाती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि कैसे रहता है। मैं अपनी गाड़ी में लेकर आई हुई थी इस तरह से प्लांट्स, तो अभी इन्हीं प्लांट्स को ये लोगों को चेंज कर देंगे मिट्टी, और उसके बाद ये मिट्टी चेंज कर देंगे, और उसके बाद इसमें जो हमने प्लांट्स लाए हैं वो लगा देंगे। तो भैया ने हर प्लांट में, मतलब प्लांट को पहले गमले को खाली करके, फिर उसके अंदर इन्होंने वो डाला एक पत्थर, और उसके बाद जैसे जैसे मैंने चूज़ किए हुए थे वो प्लांट्स इन्होंने इसके अंदर लगाए, तो अच्छे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स हैं इनके यहाँ, मतलब अगर आप हिसार या हिसार के आसपास रहते हैं या बाहर भी रहते हैं और ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं, तो ज़रूर ले जाना। मतलब ये नर्सरी मुझे बेहद अच्छी लगी, यहाँ के प्लांट्स जो हैं बहुत बहुत हेल्दी लगे। ये भैया खाली कर रहे हैं अभी यहाँ पर, और ये दूसरे भैया हैं जो ये लगा रहे हैं,
इस तरह से सारा हो रहा है। इन्होंने मिट्टी के अंदर खाद भी डाल दी है ताकि अच्छी मतलब ग्रोथ हो पौधे की, तो इस तरह से है। इन्होंने बहुत रिजनेबल रेट लगाए हैं मुझे, अगर आप लोग आएंगे यहाँ ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये है हाईवे पर ही है, यहाँ पर अलग अलग कलरफुल जो प्लास्टिक के होते हैं पोर्ट्स होते हैं वो भी हैं इनके पास, और ये हाईवे पे है और ठीक राइट साइड पर यहाँ पर MG रिजोर्ट है, तो मतलब ये एक इजी वे है यहाँ तक आने का और अच्छी एरिया है, आप आ सकते हैं आते जाते अपने लिए प्लांट्स लेकर जा सकते हैं। तो फाइनली ये लास्ट मेरा कछुआ भी हो चुका है तैयार, और ये भैया ने यहाँ पर मेरे सारे प्लांट्स लगा दिए हैं इन गमलों में, ये वाले अपन ने लिए हैं, ये जो कलर्ड है ना ये सारे अपा घर से ही लेकर आए थे ये सब ना, तो ये मेरे हो गए हैं तैयार। अब इस भाई की और मेरी ना 90 रुपए के पीछे बात हो रही है पर भाई ने गमले बहुत अच्छे कर दिए हैं, तो ये सारे प्लांट्स हैं, तो इसका पेमेंट कर दिया है, सब कुछ हो गया और हम अब जा रहे हैं वापसी को। और तो फाइनल ये बात है कि मेरे को बहुत मज़ा आया है यहाँ पर, और अगर आपको भी प्लांट्स लेने हो तो इस नर्सरी में ज़रूर आना, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे, वरना मैं ना लेती क्योंकि हिसार के मैक्सिमम नर्सरीज में मैं जाती रहती हूँ, मुझे पता है रेट वाइज भी, और हर तरह से यहाँ पर बड़े हेल्दी प्लांट्स भी हैं, तो अगर आप सब ने किसी ने भी प्लांट्स लेने होंगे तो यहाँ से ज़रूर लेना। तो घर आ गए हैं, और भैया बहुत गर्मी है घर में, तो घर में क्या अब धूप अच्छी आ गई ना तो फिर गर्मी से लगने लग गई है, और देखो मैंने प्लांट्स को लगा दिया है, और अब मैं आपको अपने घर के सारे प्लांट्स दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। ये गेट पे एंट्री करते ही ये एक पीस मेरे पास ग्रास का पड़ा था, वो मैंने यहाँ लगा रखा है गेट की एंट्री पे, और कॉर्नर पे मैंने ये डस्टबिन लगा दिया, और यहाँ से मेरे प्लांट्स हो गए हैं शुरू। ये देखिए ये एक एक जैसे ये अरिका पाम लगा दिया, फिर इसके साथ एक ये इस तरह से करके ये कलर डिश में ये यूँ लगा दिया, अच्छे लग रहे हैं ना। और ये मेरे पास पुरानी बेल्स पड़ी थी जो पिछली दिवाली की थी ना, तो वो मैंने यहाँ लगा दी, कभी कलर घर में हुआ ना तो मैं इसको कलर भी कर दूंगी। और ये देखिए ऐसा तरह की पेंटिंग्स यहाँ पर ये लगी हुई है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ ये एरिया, तो बट जो नीचे के प्लांट्स हैं वो मैंने चेंज किए हैं, तो ये देखिए ये ऐसा हो गया, और यहाँ पर नीचे मैंने ये प्लांट्स लगा दिए हैं, देखिए ये रबर प्लांट ये नया आया है, और ये फिर इनके साथ क्लब कर दिए देखिए है ना, और ये इंडोर के लिए लाई हूँ पर फिलहाल मैं इसे बाहर ही रख रही हूँ, और यहाँ पर एक रबर प्लांट ये, और हमारी ये टूट गई थी, अभी कारपेंटर आएगा ना फिर वो लगाएगा उसे ठीक करेगा, और ये एक यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिए पूरा लुक अच्छा लग रहा है ना, प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब गैलरी में एंट्री करते ही हमारे को इस तरह से ये प्लांट्स दिखते हैं क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, यहाँ पर बैठने के लिए सेटिंग रख दी है, और ये कि ये प्लांट यहाँ पर इस तरह से रख दिया, और ये देखिए ये ऑर्नामेंटल प्लांट है ये यहाँ लगा दिया, और ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो यहाँ पर लगाए हैं, और ये देखिए ये इस तरह से कर दिया सारा, और ये छोटे प्लांट्स यहाँ पर ऐसे हैं, और ये देखिए ये फुहारा है, इसके अंदर लाइटिंग ठीक कराएंगे, वो जब होगी तो फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। और ये तुलसी जी हैं, तुलसी जी को तो तरह नहीं है, स्वास्तिक और ओम बनाया हुआ दोनों पर, और ये देखिए ये फ्रंट का ये सारे जो प्लांट्स हम अभी लेकर आए हैं ना वो है, और मेरे को ये बेस्ट लगा, ये प्लांट तो बहुत अच्छा लगा, और ये देखिए सारे प्लांट्स हैं जो अभी हम लेकर आए हैं ना वो ये सारे प्लांट्स हैं, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो ये आपने देखा फाइनल लुक, जो कि अपने बाहर का एरिया का, जो मैं कह रही थी मुझे ये सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि गंदा सा हुआ रहता है ना, तो अब ये अच्छा सा बना दिया अपने, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ जो अब डेकोरेटिव काम बाकी है ना, तो वो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कल मैं जाने वाली हूँ गुड़गावा, और वहाँ पर लेकर चलूँगी मैं आपको बंजारा मार्केट, तो आप वो देखना मत भूलिएगा। और मैं यहाँ के लिए डेकोरेटिव आइटम्स जो ध्रुव के रूम के लिए या घर के लिए या अपने फ्रंट एरिया के लिए लेकर आऊँगी, तो वो आप देखना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल तक तो मेरा यही प्लान है कि कल सुबह में मैं जाने वाली हूँ गुड़गावा, तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो मेरे साथ बिल्कुल रहना भाई, मुझे अकेले मत भेजना, वहाँ आपको मैं लेकर चलूँगी, और यहाँ के लिए अच्छा अच्छा कुछ लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए
ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूरी करें। फिलहाल के लिए बाय बाय।